सरपंच का चुनाव जो डायरेक्ट करने का जो फैसला किया गया है आपकी सरकार में लिया गया था, उसके बाद दूसरी सरकार बदल लिया था, अभी वापस ले लिया। क्यों ऐसा, क्यों उनको लग रहा था और अब सरकार को क्यों लग रहा है इस तरीके से? देखिए, देश में आप कोई भी राज्य देखिए, सारे राज्यों में, जितने बड़े राज्य हैं, सारे राज्यों में सरपंच की का चुनाव डायरेक्ट होता है। दूसरा, जो महाराष्ट्र सरपंच परिषद है, इसमें करीब करीब सरपंच और माजी सरपंच 50,000 लोगों ने अधिवेशन लिया, आप सब लोगों ने कवर किया था, और वो सब ने मिलकर, और किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, सारे सरपंचों ने मिलकर एक मुख से उसमें ये कहा था कि भाई ये डायरेक्ट ही चुनाव होना चाहिए। मूलतः ये देखा गया है कि अगर इनडायरेक्ट चुनाव होता है तो चुनकर कोई भी आए, बाद में पैसे का और फालतू चीजों का अवलंब करके और जो डिजर्विंग है उसको बाजू रखा जाता है। तो उस दृष्टि से ये जो सरपंच परिषद ने जिस प्रकार से मांग की थी, सरपंच परिषद के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले, मुझे मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले, कई जनप्रतिनिधियों ने लेटर्स भी दिए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए और देश में जो ट्रेंड है, और विशेष रूप से जो 73rd अमेंडमेंट हुई थी, उस 73rd अमेंडमेंट का जो एसेंस था वो ये था कि भाई हम डायरेक्ट इलेक्शन करें। 74th अमेंडमेंट का एसेंस वो था कि हम शहरों में डायरेक्ट इलेक्शन करें, तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।